नमस्कार दोस्तों, आज हम HAS 2020 जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि बेसिकली सेकंड पेपर था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली रीजनिंग आई थी, इंग्लिश के क्वेश्चंस थे और मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो हम बेसिकली फोकस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जो मैथ्स में जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पास करती है, ठीक है जी। तो आपको पता है 54 किलोमीटर 1 आवर, इसका मतलब यही होता है ना, आपने 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पास करवाना है, तो इसको 20 सेकंड में कन्वर्ट कर दो। जो टाइम है 54 किलो का मतलब क्या होता है किलोमीटर का, 1000 मीटर, ठीक है जी। और यहाँ पे 3600 सेकंड आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 से कट जाएगा, यहाँ पे 9 से 4, और आप इसको 20 में कन्वर्ट कर दो, इनटू 5 कर दो, 20 सेकेंड्स। और यहाँ पे 60 है, 60 है, 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 300। अब आपको पता है कि ये जो 300 है ये क्या क्या है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 20 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पास करती है। तो जो प्लेटफॉर्म को पास करेगी वो एक तो खुद की लेंथ क्रॉस करेगी और सेकेंडली लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी क्रॉस करेगी, ठीक है जी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट, इट टेक 12 सेकंड टू पास अ मैन, ये 12 सेकंड में एक आदमी है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो 12 सेकंड में उसको क्रॉस कर देगी, ठीक है जी, और सेम डायरेक्शन में। अब दो स्पीड्स आ रही हैं तो आपको पता ही है यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट चलेगा। और सेम डायरेक्शन में जब जाती है तो स्पीड्स क्या होती है, स्पीड्स माइनस हो जाती हैं, ठीक है जी। 54 माइनस 6, 48 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या है, 48 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है जी। अब आप इसको 12 सेकंड में निकाल लो, 48, 3600 सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से चला जाएगा, 6 8 48, 6 6 36, 6 2 4 8, 40 आ गए यहां पे, यहाँ पे 3 सेकंड है, तो इसको कन्वर्ट कर लो किसमें करोगे, 12 में, तो 12 बनाना होगा, नकली है इसको, असली 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 12 सेकंड। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, नकली है 40 तो इसको कर दो 160 मीटर, 12 सेकंड में 160 मीटर। अब आपको ये जो 160 है, अब ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी मैन को, क्योंकि उनका तो खुद का कोई डिस्टेंस तो है नहीं, कोई लेंथ है नहीं, तो इनका इनकी लेंथ जो होती है वो जीरो ही होती है, तो ये जो आएगी 160 मीटर, ये आपके पास क्या आएगी, लेंथ ऑफ 160 क्या आएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाती है, ठीक है। अब आपको पता ही है 300 क्या था हमारा, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। अब 300 में से माइनस कर दो, माइनस 160 कर देंगे आप, तो आपका कितना आ जाएगा 140, और 140 क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। और पूछा क्या था, लेंथ ऑफ ट्रेन, अब लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है 160, एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 140, 160 और 140, आपका ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ कमोडिटी सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब भाई साहब 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और प्रॉफिट 25% का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 125, ठीक है जी। अब ही अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 16%, अब 16% का ही डिस्काउंट भी दे रहा है, ठीक है, ऑन मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस यहां पे ले लो, कहां पे 16% का डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 84। अब इनको स्मॉल कर लो, काट दो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो आप इसको कर सकते हो 25 चौका 100, 25 पंजा 125, और इसको भी कर सकते हो यहाँ पे, इसको यहाँ 50,
और 21। अब आपको पता ही है जो मर्जी हो जाए लेकिन सेलिंग प्राइस जो है आपका ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे 21 है, तो कर दो इनको बराबर, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, और इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, ठीक है जी। तो इसका कितना आ जाएगा 21 5 105, 21 4 84, 25 5 125, 21 5 105, ठीक है जी। आगे किसी एक्चुअल प्रॉफिट वॉज, अब एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है इन्होंने, तो प्रॉफिट आपको पता है किसके ऊपर होता है। अभी हमारे पास यहां पर ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं 84 और सेलिंग प्राइस कितना है 105, ठीक है जी। अब कितना होगा ये 105 माइनस 84, ये प्रॉफिट है किसके ऊपर होगा 84 के ऊपर होगा, इन 200 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 21 अपॉन 84 इंटू 100, 21 21 84 4 25, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25% जो है ऑप्शन डी है, ये आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पेपर का लेवल थोड़ा हाई था, कुछ क्वेश्चन इजी थे कुछ क्वेश्चन टफ भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली divisible by 10, 12, 15 and 18. Option A 400, option B 900 and option C 1600 and option D 729. फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, लीस्ट स्क्वेयर नंबर निकालना था विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो कि 10 12 15 और 18 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा 400। सबसे पहले इसको तो ऑप्शन में देखना था, 400 10 से होता है 12 से नहीं होता है सीधा ही, 900 10 से होता है 12 से होता है 15 से होता है 18 से होता है, आपने फटाफट देखना था क्योंकि 15 6 90, 18 5 90, 12 7 84, 12 5 60 75, तो आपका आंसर यहाँ पे देखते ही इसका आंसर आपको 900 लगना था क्योंकि लिस्ट पूछा था, आगे जाने की जरूरत है नहीं, ये क्यूब वाला है, ठीक है, तो बस आपको ये आंसर हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जो है पानी का बहाव है उसके ऑपोजिट साइड में जाता है, ठीक है जी, और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ओ सॉरी अपस्ट्रीम मतलब जो जहां से पानी आ रहा है उसके ऑपोजिट ऊपर को जाएगा मतलब, ठीक है जी, और 55 किलोमीटर जो डाउन पानी बहाव के साथ नीचे को जाएगा, ठीक है, 13 आवर्स में करता है। ऑल्सो ही कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, ठीक है, देन स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है जी, पानी की स्पीड और हमने क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली आपको क्या करना है, यहां पे क्या है टाइम दिया है ना, तो आपको पहले तो एक्स एज्यूम कर लो, अपस्ट्रीम स्पीड जो है एक्स है, डाउनस्ट्रीम स्पीड वाई ले लो, ठीक है जी। अब आपको पता ही है TDS का फॉर्मूला आपको पता ही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है जी। तो टाइम आपको पता है 13 आवर है, तो डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है x प्लस 55 किलोमीटर अपॉन y इज इक्वल टू 13, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। और सेकंड इक्वेशन यहां पर दूसरी स्टेटमेंट से बना लो, 30 अपॉन स्पीड, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना 30 किलोमीटर, ये अपस्ट्रीम में जा रहा है
और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, एक्स है प्लस 44 अपॉन वाई इज इक्वल टू 10। अब आपको बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जैसे इक्वेशंस आ गए आपके पास तो उसके बाद आपका क्या रहेगा, इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो जिससे आपकी अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी और डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, क्योंकि एक चीज को सेम बना के उसको ऐड कर दो या माइनस कर दो फिर उसको वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 120 अपॉन एक्स प्लस 165 अपॉन वाई इज इक्वल टू 39। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे कर दो 120 अपॉन एक्स प्लस 176 अपॉन वाई इज इक्वल टू 40, यह आएगी इक्वेशन नंबर 4। आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर दो, यहाँ पे लिख लो 120 अपॉन एक्स प्लस 176 अपॉन वाई इज इक्वल टू 40, माइनस 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 कर दो इनको। ठीक है जी, माइनस कर दिए, ये कट जाएगी डायरेक्ट। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है, वाई नीचे बेस में वाई है तो आपका कितना आ जाएगा, 11 अपॉन वाई, लेकिन ये माइनस में होगा, इज इक्वल टू माइनस वन, ये कट जाएगा। एंड फिर क्या जाएगा, वाई दिस थिंग इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू, वाई आपका कितना आ जाएगा, 11। तो आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो 11 आ गई है। ठीक है जी, 11 किलोमीटर पर आवर। अब हमें x निकालना है, तो x की वैल्यू पुट कर लो, इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, किसी में पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा छोटे वो है टर्म्स है, 30 अपॉन x प्लस 44 अपॉन y, 44 अपॉन y यहाँ पे 11 रख देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 10, 30 अपॉन x इज इक्वल टू 4 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 6, 6 से 6 पंद्रह 30, x इज इक्वल टू 5। तो आपके पास जो ये वाली स्पीड आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब आगे हम क्वेश्चन पे देख रहे हैं, देन स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। अब आपको स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर, अब आपके पास ये दो मेन स्पीड्स आ चुकी हैं, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड। मैन स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में आपको आपकी स्पीड कितनी होगी, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय 2, कितनी है, 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 बाय 2, ये आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब आगे क्या है, द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा, धारा की स्पीड कितनी होगी, तो ये हो जाएगी अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 5 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 8 है और 3 है, 8 एंड 3, ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। काफी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24। अब एक और क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का आ चुका है, यहाँ पे दो क्वेश्चन आए थे एचसीएफ से और एलसीएम से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपको कितना दिया है, 24। ठीक है जी, और डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2। अब डिफरेंस तो सब में दो दो दिख रहा है आपको, तो भाई डिफरेंस का तो अब देख लो, क्योंकि यहाँ पे भी दो का डिफरेंस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे। बट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर
एक्स ले लो एंड इनटू सेकंड नंबर वाई ले, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये 24 है तो एक्स और वाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कितना होना चाहिए, 24 ही होना चाहिए। आपका यहाँ पे किसका हो रहा है, इसका कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 चौका 24, तो आपका यहाँ पे 24 हो रहा है, तो आपका ये आंसर होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है 48, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कितना है 80, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आपको देखते ही आंसर करना था और इस तरीके से आपको आंसर करना था। और एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम, पर फिर भी 7 दे देते हैं इसका। एक सीरीज थी 2, 3, 63, 3962। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपको एक सीरीज दी थी और इसमें बताना था कि कौन सा जो है इसमें आपका रॉन्ग टर्म है। इन द गिवन सीरीज वन ऑफ द टर्म इज रॉन्ग, फाइंड आउट दैट। तो आपको क्या करना था इसमें, 2 × 2 − 1 कितना हो गया, 2 × 4 − 1 = 3, ठीक है जी। अब इसमें क्या करना था, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई − 1, 3 × 9 − 1 = 8, फिर 8 को फिर से करना था, 8 × 8 = 64 − 1 = 63 आ जाना था, ठीक है जी। अब 63 × 63 − 1 करना था, ठीक है जी। तो 63 × 63 कैसे करना था, हमें 3 × 3 = 9, 6 × 6 = 36 क्रॉस, 6 × 3 = 36 9, 6, 9, 3 − 1 कर दो, 3968। यहाँ पर 3968 आना चाहिए था, बट आपको इन्होंने क्या दिया था, 3962। तो आपका जो आंसर होना था, ये जो टर्म थी ये राउंड थी, इसकी जगह 3968 आना था। और ये कौन सा ऑप्शन था आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको रेडियस दी है और हाइट दी है, कोन की भी दी है और सिलेंडर की भी दी है, और आपको वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। तो आपको फर्स्टली इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे कोन ले लेते हैं क्योंकि आपको किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन और सिलेंडर का रेशियो निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/3 πr²h, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और इसका πr²h, पाई तो कट जाएगा, ठीक है जी, पाई कट जाएगा क्योंकि पाई तो सेम रहेगा दोनों साइड, और नेक्स्ट जो आ रहा है रेडियस और हाइट डिफरेंट है, तो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं और हम रेशियो इजीली निकाल लेंगे। 1/3 × r, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कोन की रेडियस जो है 3 cm है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 × हाइट कितनी है 5 cm, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 × हाइट कितनी है 4, ठीक है जी। 3 × 3 = 9, ठीक है जी, 5 × 3 = 15 है, और ये 16, तो इनका रेशो आपका यहाँ पे आंसर आ जा रहा है 15:16। फ्रेंड्स, ये होगा आपका ऑप्शन सी। तो काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, और फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो रह गए हैं हमारे उनको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक